بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। सबसे पहले मैं हैदराबाद प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी और उनकी पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसे कि जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि रात 1 बजे उन्हें ये बताया गया कि मैं आ रहा हूं, तो मैं ये बता दूं कि इंसान जब अपने घर आता है या अपने दरमियान लोगों के आता है, तो चाहे 1 बजे बताए या 3 बजे बताए, तो घर घर होता है। और हैदराबाद प्रेस क्लब ने हमेशा मुझे, चाहे मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ, लेकिन वैसे भी सारे साफ़ी भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत का रिश्ता है, तो मुझे यहाँ के अजनबियत महसूस नहीं होती। तो बाकी रह गई बात टाइम की, तो वो फिर सलीम भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे फिर दो दो हाथ कर लेंगे बाद में, क्योंकि ये जिम्मेदारी इनके हाथ में थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मेरे साथ कराची से आए हुए सर ज़िया मौजूद हैं, जो कि आईटी के हवाले से अगर बात की जाए तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का आईटी प्रोग्राम हो या गवर्नर इनिशिएटिव सिंध आईटी प्रोग्राम हो, दोनों को ये देख रहे हैं। इनके साथ हमारे दानियाल लागुरी भाई बैठे हैं, जो कि सीईओ हैं गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के। यहाँ जब मैं आया तो मैं अपने एमक्यूएम पाकिस्तान, जिसका मैं नॉमिनी हूँ, उसका गवर्नर हूँ अपनी पार्टी का, तो मुझे यहाँ पर हमारे जफर भाई जो कि जोनल इंचार्ज हैं और उनकी पूरी जो जोनल कमेटी है उनके साथ मैं अभी मीटिंग कर कर आ रहा हूँ। यहाँ इस वक्त हमारे जो एमक्यूएम के एमएनए हैं वसीम भाई भी मौजूद हैं, हमारे अलीम भाई भी मौजूद हैं, साबिर भाई यहाँ पे मौजूद हैं, सलीम भाई भी साथ आए हैं, और बाकी भी हमारे एमक्यूएम के दोस्त जो हैं वो, बल्कि मुझे एक और हमारा भाई नज़र आ गया है, तो ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। आने का जो मकसद है वो छोटा नहीं, और ये एक बड़े मकसद के तहत हम यहाँ आए हैं, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर सर ज़िया बैठे हैं और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, पूरा होमवर्क कंप्लीट कर कर आए हैं, सिर्फ सियासी बातें करने नहीं आए। आज के माशी बहरान में जहाँ लोग सिर्फ अपने नौजवानों को धोखा दे रहे हैं, सिर्फ नारे लगवा रहे हैं, वहाँ पर एक कंप्लीट प्रोग्राम के तहत हम हैदराबाद आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अनाउंसमेंट पर मुझे खुशी हो रही है कि अब हैदराबाद में भी आईटी का प्रोग्राम कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें पहले फेज में हम टेस्ट लेंगे और फिर 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां हैदराबाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, Web3, मेटावर्स, ब्लॉकचेन के कोर्सेज करेंगे, और टेस्ट से लेकर पूरा 1 साल के कोर्स तक तमाम चीज़ें बिल्कुल मुफ्त होंगी, कोई एक रुपया किसी मद में चार्ज नहीं किया जाएगा। और मेरा ये मानना है, और सर ज़िया इस बात को सेकंड करेंगे, कि जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो 15 से 20 लाख रुपए महीना वो शख्स कमा सकता है, और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई आपको डिग्री नहीं चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हम इस 1 साल के कोर्स के लिए सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, और वो है कि स्टूडेंट को मेहनत करनी है, मेहनत और मेहनत। और आज के इस माशी बहरान में अगर 15 से 20 लाख रुपए वो महीना कमाएगा और नौकरी देने वाला बन जाएगा, और इसका तमाम प्रोग्राम हमारे पास मौजूद है, जो साफी भाई सवाल करेगा हम उसका जवाब भी देंगे, क्योंकि कराची गवर्नर हाउस में इस वक्त 50,000 नौजवान बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं, और वो 200 से 800 डॉलर तक महीना अभी से कमाना शुरू हो गए। तो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है, और ये सिर्फ अब हैदराबाद से ही नहीं रुकेगा काम, इसके बाद हमारी अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो सखर में होगी, मीरपुर खास में होगी, सांगड़ में होगी,
नवाबशाह में होगी, लाड़काना में होगी, तो सिंध के 6 अजला उसको हमने शॉर्टलिस्ट किया है। हमारे पास डोनर भी मौजूद है, हमारे पास तमाम वसाइल जो के इसमें दरकार हैं। जहां पर भी ये प्रोजेक्ट हम शुरू करने जाएंगे, ये कम से कम 50 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है जिसको एक सिटी में बनाने के लिए, और वो बिल्कुल मुफ्त है। हमारे पास उसके डोनर्स भी मौजूद हैं, फैकल्टी मौजूद है, पूरी टीम इस बात के लिए तैयार है कि हमने अपने नौजवान, बेटा एक मिनट जरा मैं बात कर लूं, अपने नौजवान भाइयों बहनों को हमने ये अज़्म कर लिया है कि हमने उन्हें उनके पैरों पे खड़ा करना है। मतलब तालीम के साथ साथ जो हुनर है अगर वो नहीं है तो आज MBA भी रोड पे घूम रहा है, PhD भी नौकरी की तलाश में है, और क्योंकि वसाइल कम है, पाकिस्तान माशी बहरान में खड़ा है, और पड़ोसी मुल्क भारत जो कि ये दावा कर रहा है कि वो IT की इंडस्ट्री को $1 ट्रिलियन तक ले जाएगा, और आज इंडिया की जो एक्सपोर्ट है वो $175 बिलियन है, और पाकिस्तान जो है वो $3 बिलियन से ऊपर नहीं जा पा रहा है क्योंकि हमारे पास वो कोर्सेज नहीं है, वो फैकल्टी नहीं थी और वो ट्रेनिंग नहीं थी जिससे हम भारत का मुकाबला इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह सरजिया ने, उनकी टीम ने इस पर काफ़ी मेहनत की, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कराए, टीचर डेवलप किए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि हम पूरे सिंध में पूरी मुकम्मल फैकल्टी के साथ इस कोर्स को करवाने की पोजीशन में है, और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे महीने, 2 महीने, 3 महीने ये कोर्स आगे बढ़ेगा, लोगों की इनकम शुरू हो जाएगी। और हैदराबाद से क्योंकि ताल्लुक एक मोहब्बत और प्यार का है, हैदराबाद ने हमेशा मोहब्बत दी, प्यार दिया, तो पहले ही हमने ये सोच रखा था कि सेकंड जो कराची के बाद सिंध में प्रोग्राम शुरू होगा वो हैदराबाद से होगा। आज ही दानियाल भाई, वेबसाइट आज ही रात लॉन्च हो जाएगी, इसका प्रोसीजर सेम कराची वाला है। वेबसाइट लॉन्च होते ही जो भी शख्स इसमें रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको ईमेल चली जाएगी कि उसे किस दिन टेस्ट के लिए आना है, और उसके बाद ये पूरा कोर्स जो है इस वेबसाइट से मुंसलिक होगा क्योंकि जितनी भी चीज़ें इंफॉर्मेशन आएंगी इस वेबसाइट से आएंगी। तो हम अगर अपने पड़ोसी मुल्क का मुकाबला करना चाहते हैं या अपने मुल्क में माशी जो बहरान है उसे ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने भी एक वादा करना है, और वो ये कि मेहनत करनी है। मेहनत के अलावा ये काम नहीं होगा, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है कि मैं अपने वालों को और दूसरे वालों को बांटता रहूं। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी जबान, किसी भी मसलक से बोलने वाला शख्स मेरिट पर पास होकर इस क्लास में बैठेगा और उसको वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जो कि एक इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक IT यूनिवर्सिटी में होती है। तो ये IT यूनिवर्सिटी हैदराबाद का क्याम हम करने जा रहे हैं, और इसमें जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैदराबाद के यहाँ पर भी मौजूद हैं, उनको आज मैंने मीटिंग की है, उसमें कुछ जिम्मेदारियाँ उन पर भी डाली हैं, और हम इंशाल्लाह ताला 2 महीने के अंदर अंदर इस टेस्ट का इनेकाद कर देंगे, उसकी डेट्स दे दी जाएंगी, स्टूडेंट्स अपनी तैयारी शुरू कर दें, हमारी वेबसाइट से मालूमात लें, कराची में जो प्रोग्राम चल रहा है वहाँ से मालूमात लें। मैं ये समझता हूँ कि ये एक मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है जहाँ हम अपनी कौम के इन मेहमानों को, नौजवानों को जो ना उम्मीदी की तरफ जा रहे हैं, जो माशी बहरान का शिकार होके मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि कोई मुल्क ना छोड़े, उम्मीद की किरण जाग चुकी है। IT एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप
इस बात को यकीनी बना सकते हैं, बल्कि मेरे पास यहाँ पर जिस तरह कराची में पाशा है, आयशा जो है उसके भी, यहाँ हुसैन भाई बैठे हैं यहाँ पे, मोहसिन भाई क्या हाल है आपकी, खैरियत से, ये भी यहाँ मौजूद हैं। कराची के अंदर जो पाशा जो कि सॉफ्टवेयर एसोसिएशन की नुमाइंदा जमात है, उनके साथ भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस है, उनके साथ भी हम मीटिंग्स करते हैं। यहाँ पर हम आयशा को साथ रखेंगे और इनसे भी सारी मालूमात लेंगे, क्योंकि मकसद तो हम सबका एक ही है और वो ये है कि हमें किसी भी तरीके से आज के इस बहरान से अपनी कौम को निकालना है। और हमारे लिए एक और खुशी की बात यह है कि SIFC जो कि पाकिस्तान में इस वक्त वजूद में आ चुकी है, हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब उसको हेड कर रहे हैं, उसको उनका जो विजन है उसमें जो उन्होंने चीज़ें डाली हैं, एग्रीकल्चर, माइन एंड मिनरल्स, उसमें IT भी मौजूद है, तो हमें इस चीज़ की भी फिक्र नहीं है कि जहाँ कहीं हमें कोई मसाइल आएंगे तो हम SIFC की भी मदद इसमें ले सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज यहाँ हैदराबाद आने का जो मकसद था वो बड़ा वाज़े है कि अब यहाँ का नौजवान, बच्चे बच्चियाँ बेरोज़गारी की तरफ या नाउम्मीदी की तरफ नहीं जाएंगे। और यहाँ जो मैं बातें कर रहा हूँ उसका सबूत आपको कराची के गवर्नर हाउस में मिलेगा कि पिछले 6 माह से हमने वहाँ 5.5 लाख लोगों के टेस्ट करवाए और ये लोग फिजिकली गवर्नर हाउस में आए और उसमें से 50,000 ने ऑन साइट क्वालिफाई किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। रोज़ाना 3 सेशन हो रहे हैं और तीसरा महीना शुरू होने वाला है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही ये साल उनका कंप्लीट होगा, सर्टिफिकेशन होगी और उसके बाद या उसके साथ साथ वो हजारों डॉलर, लाखों डॉलर कमाने वाले बन जाएंगे और पाकिस्तान में ये डॉलर भी आएगा और उनके घरों में भी ये डॉलर पहुंचेगा। तो मैं समझता हूं कि इसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट चाहिए वो मेरे मीडिया के भाइयों की चाहिए, क्योंकि आप जब इसकी अवेयरनेस यहाँ लोगों को देंगे, इस चीज़ को जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो ये कारे खैर है। यहाँ मकसद अपना कारकुन बनाना नहीं है, यहाँ मकसद उसको IT की कोर्सेज को सिखाना है, उसको अवेयरनेस देनी है और उसको ये बताना है कि अगर तुम अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकते हो तो यही एक वाहिद फील्ड है जिसमें आप आगे आ सकते हैं। इसमें एक और मैं बात बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन हो, आपके पास मिसालें मौजूद हैं, हमारे कराची में मौजूद हैं कि 8 साल का बच्चा और 12 साल का बच्चा भी 1500 से 3000 डॉलर कमा रहा है। तो आप आता है मुझे कि 8 साल का बच्चा जो है वो मैट्रिक पास या MBA तो नहीं होगा, तो इसमें बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। और अगर कहीं पर हमें ऐसा लगा कि कुछ लोगों को कुछ सपोर्ट चाहिए ताकि वो इस टेस्ट में अपेयर हो सके, उसका इंतज़ाम भी हम करेंगे, यानी बेसिक चीज़ों को भी सिखाएंगे और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक लेके जाएंगे। लेकिन आखिरी बात फिर मैं ये कह के ख़त्म करूँगा कि सर ज़िया के पास, मेरे पास और हमारी टीम के पास, ये अल्लाह शाहिद है कि हमारे पास वो जज्बा है, वो खुलूस है जिससे हम चाहते हैं कि अपने इन भाइयों को, इन बहनों को कुछ सिखा सकें ताकि इस माशी बहरान में वो पाकिस्तान का और अपने घर का सहारा बन सके। मैं समझता हूँ, शुक्रिया आप सबका, अगर कोई सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि कच्चे के डाकू के सामने मैं IT का डाकू ला रहा हूँ, लेकिन ये मैं बता दूँ कि ये जो IT वाला होगा ना, ये उस कच्चे के डाकू को खा जाएगा, इसलिए कि गुर्बत, एहसास महरूमी और काम का ना होना कई लोगों को जराइम की तरफ ले जाता है। अगर मैं तो कच्चे के डाकुओं को भी ये ऑफर करूँगा कि आए वो IT कोर्स करें, वो असला छोड़ दें और अपनी आने वाली नस्ल को हुनर सिखवाएं, क्योंकि अगर घर में 15 से 20 लाख रुपए आ रहे होंगे तो मेरे ख्याल से वो कच्चे का डाकू भी मजबूर हो जाएगा अपनी
इन जराइम पेशा आदतों और वारदातों से। तो इंशाल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि कराची के अंदर गवर्नर हाउस में जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो आईटी का हो, राशन ड्राइव हो जिसमें हमने 3.5 लाख खानदानों को राशन की डिस्ट्रीब्यूशन की है, मोटर बाइक्स वाली बात मैं आज कर रहा था जफर भाई से कि जिसकी मोटर बाइक वहाँ चोरी हो जाती है उसको हम फ्री मोटर बाइक देते हैं, या गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं जहां आज भी रोज़ाना पिछले साल 3.5-4 लाख लोगों ने इफ्तार डिनर किया, इस बार भी रोज़ाना इफ्तार के लिए दरवाजे खुले हुए हैं, डिनर के लिए खुले हुए हैं। एक रुपया भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध और गवर्नर हाउस का नहीं है, और इंशाल्लाह हैदराबाद में भी एक रुपया भी गवर्नमेंट का नहीं होगा। ये हमारी टीम, हमारे डोनर्स और हम सब मिलकर कर रहे हैं, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत हो रहा है। इसके लिए जो सर्टिफिकेशन है वो 3 यूनिवर्सिटीज से हमारी बात चल रही है। गवर्नर हाउस का सर्टिफिकेट तो सभी को मिलेगा, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा वो टेस्ट देने के बाद मिलेगा। तो हमने सारा प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है, उस हवाले से आप लोगों को इसलिए फिक्र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सर ज़िया जैसे आईटी के वो हेडमास्टर्स मौजूद हैं जो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। तो जो टेक्निकल काम है वो सारा हमारे सर ज़िया कर रहे हैं, और फैकल्टी सारी हमारे दानियाल भाई के पास मौजूद है जो वॉलंटियरली भी काम कर रहे हैं। आप देखें गवर्नर हाउस में हमारे 3 टीचर्स जो हैं वो US से आके स्टे करे हुए 4 महीने से, और वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे, और वो सबके सब सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर के जो हैं वो इंजीनियर्स हैं। तो अभी ये जज्बा हमारे पाकिस्तानियों में मौजूद है कि जो लाखों डॉलर कमा रहा है वो भी वहाँ से छोड़ के आके गवर्नर हाउस में पिछले 3 महीने से रुका हुआ है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवा रहा है, क्लासेस भी ले रहा है। वो सिर्फ इसलिए है कि हम किसी ना किसी तरह इस बहरान से अपने बच्चों को निकाल लें। देखें, अगर आप अपने हाथ दिल पर हाथ रख के सोचें कि पूरे मुल्क में सिर्फ सियासत हो रही है, पूरे पाकिस्तान में मैं ये दावे से कह सकता हूं कि 50,000 बच्चों पर मुश्तमिल ये आईटी की यूनिवर्सिटी सिर्फ गवर्नर हाउस कराची में चल रही है, और उसके बाद ये हैदराबाद में होगी। तो आप बताएं कि कहाँ पर प्रैक्टिकल काम हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन ये नाउमीदी की तरफ जाने के बजाय हमने लोगों को उम्मीद दिलाई है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं जब सिंध सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में आईटी का सूबा कहलाएगा। फिर ये कच्चे के डाकू नहीं होंगे, हर जगह आपको आईटी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये होगा। देखिए, ये मैंने जैसे कहा था कि जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी आज हमने बैठ के आपस में तय किया है, इंशाल्लाह आने वाले 10 दिनों के अंदर हम आपको जगह का भी इंतखाब करवा देंगे, क्योंकि जगह के बाद जो वहाँ सेटअप लगना है उसमें तो सिर्फ 1 हफ्ता लगेगा। हमारे पास हैदराबाद के लिए 300 कंप्यूटर जो हैं वो मौजूद हैं, 40 के करीब एयर कंडीशन परमानेंट मार्की मौजूद है, बाकी वाईफाई का सारा जो भी सिस्टम आईटी के लिए रिक्वायर्ड है वो हमारे पास अवेलेबल है। जैसे ही हमारे मुंतखब नुमाइंदे जगह को आइडेंटिफाई करेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम वहाँ ला के सेटअप लगा देंगे, और उससे पहले ही हम टेस्ट जो करना होगा वो हैदराबाद में कोई जगह मुंतखब करके उसकी अनाउंसमेंट कर देंगे। देखिए, मैं ये कर सकता हूँ कि आज मैं हैदराबाद प्रेस क्लब में मौजूद हूँ, यहाँ सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं, कोई प्रपोज़ल ऐसा आप बना के मुझे दें जिस पर दो तरह से हम काम कर सकते हैं, एक तो सिंध गवर्नमेंट और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को भेजें,
और दूसरा प्राइवेट सेक्टर से, जिस तरह मैं अभी तक देखें, जैसे मैंने कहा कि जितने भी मेरे इनिशिएटिव्स हैं उसमें गवर्नमेंट के पैसे शामिल नहीं है, इसीलिए शायद वो कंप्लीट हो गए। अगर हम भी गवर्नमेंट की फाइलों में इंतज़ार करते तो सालों गुजर जाते। तो कोई ऐसा कंक्रीट किस्म का प्रपोजल सहाफ़ी भाइयों के लिए आता है तो मैं यहाँ ये कमिट कर रहा हूँ कि उस पर भी मैं काम करूँगा। और एक और बात मैं बता दूँ कि अभी जो लतीफ़ाबाद नंबर 2 है, जहाँ मेरे नॉलेज में आज बताया गया कि कोई भी ऐसा ICU हॉस्पिटल मौजूद नहीं है सिविल के अलावा, जहाँ लोगों को ले जाया जा सके और मुफ्त हो, लोगों को 1.5 लाख रुपए ना भरने पड़े। तो मुझे बताया गया है कि जो रेड क्रॉस है, रेड क्रिसेंट जो है, उनका कोई प्लॉट मौजूद है, उसको भी देख लेते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं कराची में और अमेरिका में अपने उन भाई दोस्तों से बात करूंगा कि हम लतीफ़ाबाद 2 में कोई एक मुफ्त हॉस्पिटल जिसमें ICU के कम से कम 30 से 40 बेड हो, उसका क़याम कर सकें। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अगली बार जब मैं यहां आऊंगा प्रेस क्लब में तो बाकायदा लतीफ़ाबाद 2 में हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहले तो बात यह है कि मैं अभी कहीं जा नहीं रहा हूँ, ताकि ये ज़रा आज लोगों को पता चल जाए। और दूसरी बात यह है कि आदमी को जो इदारा है ना, इंस्टीट्यूशन, मेरा ये मानना है कि उसको मजबूत करना चाहिए। गवर्नर सारी ज़िंदगी तो मैं रहूँगा नहीं, हर एक को जाना होता है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम गवर्नर हाउस में ऐसा मजबूत निज़ाम बना कर जाएंगे जिसे आने वाला कंटिन्यू करेगा और मजबूत करेगा। क्योंकि फर्द वाहिद से, जो मैं हमेशा अपनी तकरीरों में भी कहता हूँ कि मैं फ़र्द नहीं कौम हूँ, हमें कौम बनना है। फ़र्द नहीं कोई काम करते, कौमें काम करती हैं। हमें ऐसा निज़ाम बनाना है जिसे आने वाले आगे कंटिन्यू करें, न कि वो ज़ीरो से शुरू करें। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये चेंज नज़र आएगा। और जब आप हैदराबाद कि हम IT यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह कर रहे होंगे तो उस सारे निज़ाम को, उस सिस्टम को देख के इंशाल्लाह ताला आप सभी साफी भाई सराहेंगे, ये मेरा मानना है। शुक्रिया बहुत बहुत।